बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक अचार का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून मेथी दाना, ये डालकर इसको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया, ज़्यादा हमने इसको बारीक पाउडर नहीं करना। कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर 1/2 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और 4 अदद सूखी लाल मिर्चें, अगर लंबी वाली नहीं है तो गोल वाली भी इसके अंदर डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1 दरमियाने साइज की प्याज थी इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये डालकर इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए वरना खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये डालकर हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको दोबारा भून लेना है ताकि लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसका ऑयल बाहर निकल आया, मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब इसके अंदर 1/2 कप हम दही का शामिल करेंगे और ये जो मैंने मसाला बनाया था ना अचार का, वो मैंने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया। इसको मिक्स करते हैं, फ्लेम मैंने लो कर दी है, मीडियम से लो। अब इसके अंदर मेरे पास 1/2 किलो फिश है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 4-5 हरी मिर्चें, बस इसको मिक्स करके बस हमने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और ये दम में ही बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। ये देखिए हमारी मज़ेदार सही अचारी फिश की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है, एंड में हम बस थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ज़बरदस्त ही हमारी ये अचारी फिश की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बस इसका चूल्हा बंद करते हैं।